कुछ बोलने वाली थी। इतने में मैंने उसे एक और थप्पड़ दे मारा। उसकी नजरें झुक गईं और वो रोने लगी। सब लोग हमें हैरानगी से देख रहे थे। वो मेरी बाहों में सर रख के रोने लगी तो मैं उसे धक्का देकर वहां से निकल आया। मैं घर गया, बहुत परेशान था, बहुत नफरत हो रही थी मुझे उससे। सारी रात रोते हुए, तड़पते हुए और उसे सोचते हुए गुजर गई। मैं दो दिन ड्यूटी पर नहीं गया। जब तीसरे दिन हॉस्पिटल ड्यूटी पर गया तो वहां एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बात करनी है। उसने उसी का नाम लेते हुए अभी बात शुरू ही की थी कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे सामने ना मतलब उसका और ना ही मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है। वो बोली, डॉक्टर साहब, बस सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लें। वो बेचारी हालात से हारी हुई है, वो कोई गंदी लड़की नहीं है, लेकिन बहुत मजबूर है, आप बस एक दफा उसके घर आकर देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो खुद को आपके काबिल नहीं समझती। हर वक्त आपकी बातें, आपका जिक्र करती रहती है। वो बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज उसे संभाल लें। वो अब बहुत थक चुकी है जिंदगी से लड़ते लड़ते। उसकी माँ कैंसर की मरीजा है, बहनें उसकी छोटी हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं। वो लड़की इज्जत से जीना चाहती है, लेकिन जमाने ने उसे नोच खाना चाहा था। बस मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोलूंगी। बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उसे माफ कर देना। मैं रात को घर आया, बहुत खामोश था, बहुत उदास था। उसके घर का एड्रेस मैंने उसके दोस्त से ले लिया था। अगले ही दिन मैं अपने माँ बाप को साथ लेकर उसके घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। हम उसके घर दाखिल हुए। उसकी अम्मी चार पाई पर लेटी हुई थी। उसकी अम्मी ने खांसते हुए हमारा पूछा, फिर मैंने अपना तारुफ करवाया। वो नमाज पढ़ रही थी और मेरे अम्मी अब्बू बात करने लगे। हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। इतने में वो ऊपर से आ गई। मुझे देखकर वो एकदम हैरान सी हो गई। बोली, डॉक्टर साहब, आप? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि वो क्या काम करती है। उसने मुझे मना किया कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं मुस्कुराकर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया हूं। वो भला कैसे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। मेरी जान, आप रेस की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, आप सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हो। और वो फूट फूट कर रोने लगी। सब बहुत खामोश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये सब था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा इंसान हमेशा एक औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया कि मेरी बीवी नाचने वाली थी। उसके हालात ने उसे नाचने वाली बनाया था। मैं
क्यों उसके दामन पर कचरा उछालूं। वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी और मुझे कहने लगी कि आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं। मैंने उसके माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को एक नाचने वाली बना डाले, बल्कि एक सच्चा मर्द वो है जो किसी नाचने वाली को भी बापर्दा बाहयात बना डाले।